पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा एक प्रसिद्ध त्योहार है। इसे पूरे देश में आनंद के वातावरण के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु वेद व्यास ऋषि का जन्म हुआ था। ऋषि थे जिन्होंने महाभारत लिखा था। इनका सम्मान करते हुए इनकी याद में हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। यह एक ऐसा त्योहार है जहाँ गुरुओं का सम्मान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। गुरु हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान की तरफ ले जाता है। तो बच्चों, मुझे बताओ कि आपको कहानी देखना पसंद है या सुनना। तो ऐसे ही हमारे शिष्यों की कहानी रिजर्स इंटरनेशनल स्कूल के शिष्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें शिष्य एकलव्य ने अपनी बड़ी लगन के साथ धनुधारी का ज्ञान प्राप्त किया है। तो इस नाटक का नाम है एकलव्य की एकाग्रता। हेलो बच्चों, तो मैं आपको इस नाटिका के कैरेक्टर से मिलवाता हूँ। सबसे पहले आप हमारे ड्रामा के पहले कैरेक्टर से मिलेंगे, जो है एकलव्य। बच्चों, आप जानते हैं एकलव्य भी आपकी तरह एक छात्र है। इसके हाथ में क्या दिख रहा है? हाँ, इसके हाथ में एक धनुष और तीर दिख रहा है। ये एक धनुधरी है, इसे तीरंदाजी का बहुत शौक था। अभी आपके सामने आ रहे हैं एकलव्य के शिक्षक गुरु द्रोणाचार्य। ये छात्रों को धनुष और तीर चलाना सिखाते हैं। अभी आप देखेंगे एकलव्य के पिताजी। जिस तरह आपके मम्मी पापा आपको बहुत प्यार करते हैं, वैसे ही एकलव्य के पिताजी उससे बहुत प्यार करते हैं। बच्चों देखिए, ये है शिष्य एकलव्य जैसा एक छात्र। आपको पता है कहाँ रहता है? ये महल में रहता है। देखो बच्चों, इसके हाथ में भी एक धनुष और तीर है। यह भी धनुष विद्या का अभ्यास करता है। अब आप देखेंगे इस राक्षस को ये जंगल में कैसे हराएगा। तो अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं गुरु शिष्य की एक अनोखी कथा एकलव्य की एकाग्रता। एकलव्य की एकाग्रता। पिताजी और एकलव्य आपस में बात कर रहे थे। बेटा एकलव्य, आज तुम इतने उदास क्यों हो? पिताजी, मुझे एक निशांत धनुर्धारी बनना है। बेटा द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के एक निशांत धनुर्धारी है, परंतु उनके गुरुकुल में सिर्फ राजकुमारों को ही प्रवेश मिलता है। भले मैं एक शूद्र जाति का हूँ, लेकिन मुझे भी एक वीर योद्धा बनना है। बेटा एकलव्य, आपके सपने बहुत बड़े हैं। हम आपके लिए बहुत अच्छे गुरु ढूंढेंगे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। जो आपने यहाँ देखा कि एकलव्य को अच्छे धनुधरी बनने की इच्छा थी, उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। इसीलिए उसके पिताजी ने उसके लिए एक गुरु ढूंढ लिया। इसीलिए एकलव्य अपने गुरु द्रोणाचार्य से मिलने के लिए गुरुकुल पहुंचते हैं। प्रणाम गुरुदेव। बेटे तुम कौन हो? गुरुदेव, मैं आदिवासी लोगों का मुखिया एकलव्य हूँ। आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। मुझे एक अच्छा योद्धा बनना है। एक शूद्र मेरा शिष्य कभी नहीं बन सकता। गुरुदेव द्रोणाचार्य, ये हमारे राजगुरु है। गुरुकुल में सिर्फ राजकुमारों के लिए ही शिक्षा मिल सकती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की? चले जाओ यहाँ से। गुरुदेव, क्या आप यही चाहते हैं कि मैं ऐसे चला जाऊं? क्या यही सही है? ईश्वर के लिए तो सब एक ही समान होता है, तो फिर भेदभाव क्यों गुरुदेव? भले मैं क्षुद्र हूँ, लेकिन उन्हीं राजकुमारों और शिष्यों की तरह
मेरे मन में भी सीखने की चाहत है। मैं भी तीरंदाजी का अभ्यास करूंगा और एक निशान धनुर्धारी बनकर दिखाऊंगा। नहीं, चले जाओ यहाँ से। बच्चों, जैसे आपने देखा कि गुरुजी के साफ मना करने के बाद भी एकलव्य के मन में सीखने की इच्छा कायम थी। इसे मन ही मन में सोच लिया कि वह हार नहीं मानेगा। वह अपना तीरंदाजी का अभ्यास जरूर करेगा। इसीलिए एकलव्य ने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य का पुतला बनाया। उसने उनकी पूजा की। प्रणाम गुरुदेव। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जरूर एक अच्छा निशान धनुर्धारी बनकर दिखाऊंगा। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य को धनुष और तीर कैसे चलाए जाते वह सिखा रहे और एक तरफ एक लव्य भी धनुर्धारी का अभ्यास कर रहा है। शिष्य, आज हम शिकार किस तरह से की जाती है इसका अभ्यास करेंगे, इसलिए हमें वन में जाना होगा। वे जंगल में जाते हैं और अभ्यास करते हैं। हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। हा 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 हा, यह क्या, मेरी तरफ एक स्वादिष्ट भोजन बढ़ रहा है। यह तो राक्षस है। बचाओ बचाओ। वे राक्षस को मारने के लिए अपना धनुष और तीर निकाल के रखता है। वो अपने धनुष से निशाना लगाकर राक्षस को मार गिराता है। राक्षस गिर जाता है। हमारी जान बचाने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। राजकुमार, यह तो मेरा कर्तव्य है। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर गुरु द्रोणाचार्य दौड़कर आते हैं और राजकुमार से पूछते हैं। राजकुमार, असुरक्षित हो, आपका रक्षण किसने किया? उन्होंने मेरी जान बचाई है गुरुदेव। यह काम सिर्फ शक्तिशाली धनुधारी ही कर सकता है। इस राक्षस का वध किसने किया? प्रणाम गुरुदेव, इस राक्षस का वध मैंने किया है। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ पुत्र, तुमने हस्तिपुर के राजकुमार की रक्षा की है। मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। सभी गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य को शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। इस तरह से एकलव्य उनका शिष्य बन जाता है। तो देखा बच्चों, अपने एकलव्य ने हार नहीं मानी और वह गुरुदेव का एक अच्छा आज्ञाकारी शिष्य बन गया। आशा है कि आपने हमारे शो का आनंद लिया होगा। I have shot this video by staying at our home sweet home. You also stay home, stay safe. धन्यवाद। We have shot this video by staying at our home sweet home. You also stay home, stay safe. धन्यवाद। We have shot this video by staying at our home sweet home. You also stay home, stay safe. धन्यवाद।